9 मई को जो इंसिडेंट यहाँ पर प्लेस हुआ वो एक काबिले मुजम्मत है, एंड वी बीइंग मेंबर ऑफ यूथ काउंसिल पाकिस्तान इस एक्ट को कंडेम करते हैं। जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। जिना हाउस का विज़िट किया और इसकी हालत देख के बहुत अफसोस हुआ कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने यहाँ पे आके सारे के सारे जिना हाउस का हाल ख़राब कर दिया। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करती हूँ कि वो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई भी वाकया ना हो सके। जिस तरीके से स्टेट एसेट्स को नुकसान पहुँचाया गया और हमारे अजीम कायद की जो यादगारें यहाँ पे, उनकी जो कुछ तस्वीर और उनसे जुड़ी जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, उनको डैमेज किया गया, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। शुहदा के मुजस्मे जलाए गए, जो जिना हाउस में मस्जिद को मस्मार किया गया, वो लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ना वो नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे। ये लोग आज बताना चाहते हैं कि हम शुहदा के साथ स्टैंड कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के साथ स्टैंड कर रहे हैं।